सिद्धार्थ का गृह त्याग। कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन दयालु और योग्य राजा थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे, पर राजा फिर भी सदा चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा वृद्ध हो चले थे। बहुत प्रार्थना अर्चना के बाद उनके एक सुंदर पुत्र हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ बड़ा होनहार बालक था। अल्प आयु में ही उसने विद्या प्राप्त कर ली। समय बीतता गया, सिद्धार्थ अब युवक हो गया, परंतु हर समय वह एकांत में बैठकर कुछ सोचता विचारता रहता था। संसार के भोग विलास में उसका मन नहीं लगता था। राजा शुद्धोधन ने यह देखा तो पड़ोस के राजा की पुत्री यशोधरा के साथ सिद्धार्थ का विवाह कर दिया। राजकुमारी यशोधरा बहुत सुंदर थी। कुछ समय बाद सिद्धार्थ को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। राजा शुद्धोधन को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा कि आने वाला शिशु सिद्धार्थ के पैरों में बेड़ियां डाल देगा, पर उनका यह विचार ठीक ना निकला। राजकुमार का संसार से वैराग्य बढ़ता ही गया। एक दिन राजा ने सारथी को बुलाया और राजकुमार सिद्धार्थ को नगर भ्रमण के लिए ले जाने की आज्ञा दी। सारथी रथ को सजाकर राजकुमार को महल के पूर्वी द्वार से नगर भ्रमण के लिए ले गया। नगर में सजे हुए बाजार देखते हुए वे जा ही रहे थे कि राजकुमार का ध्यान एक व्यक्ति की ओर गया, जो हाथ में लाठी लिए कमर झुकाए धीरे धीरे कठिनाई से चल रहा था। राजकुमार ने सारथी से उसके विषय में पूछा कि वह कौन है और ऐसे क्यों चल रहा है। सारथी ने राजकुमार को समझाया कि वह वृद्ध है और दुर्बलता के कारण इस प्रकार चल रहा है। राजकुमार यह सुनकर उदास हो गए और महल में लौट आए। कुछ दिन बाद सारथी राजकुमार को फिर नगर भ्रमण के लिए पश्चिमी द्वार से ले गया। मार्ग में राजकुमार ने एक रोगी को देखा जो कष्ट से कराह रहा था। राजकुमार फिर उदास हो गए और महल को लौट आए। तीसरी बार सारथी सिद्धार्थ को उत्तर द्वार से नगर भ्रमण के लिए ले गया। आज राजकुमार ने लोगों को कंधे पर एक शव को ले जाते देखा। उसके संबंधी रोते हुए पीछे पीछे चले जा रहे थे। राजकुमार खिन्न हुए और बिना भ्रमण किए ही महल में वापस आ गए। कुछ दिन बीतने पर सारथी के आग्रह से राजकुमार दक्षिण द्वार से नगर भ्रमण के लिए चल दिए। आज उन्होंने एक साधु को देखा। उसका मुखमंडल आभा से चमक रहा था। उसने गेरुए वस्त्र धारण किए थे। वह हाथ में कमंडल लिए था। राजकुमार ने सारथी से उसके बारे में पूछा। सारथी ने उसके बारे में बताया कि वह एक साधु है। उसने संसार की मोह माया को त्याग दिया है। उसे दुख और कष्ट का अनुभव नहीं होता है। राजकुमार ने भी संसार के आकर्षण का त्याग कर मन में साधु बनने का निश्चय कर लिया। एक रात को वे पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़कर महल से चले गए। वन में जाकर उन्होंने तपस्या की और ज्ञान प्राप्त कर महात्मा बुद्ध कहलाए।